हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। मुंबई में एक इफ्तार पार्टी में आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार वहां मौजूद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को फल खिलाने लगे। आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने उस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। इस इफ्तार पार्टी में महाराष्ट्र सरकार की मंत्री विनोद तावड़े और मुस्लिम देशों के कई राजनयिकों ने भी हिस्सा लिया। मुस्लिम मंच ने रोजा इफ्तारी को ध्यान में रखते हुए उसको रोजा इफ्तारी में सहयोग करने का काम किया है। इस दौरान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक विकास और वक्फ विभाग के साथ मिलकर एक संवाद कार्यक्रम भी रखा जिसमें मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की इफ्तार पार्टी को लेकर सियासी घमासान मच गया। इफ्तार पार्टी के पीछे सियासत का आरोप लगाते हुए विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला और बीजेपी को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ फैसले लेने वाली पार्टी करार देते हुए इफ्तार पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मुसलमानों की शरीयत में इंटरफेरेंस करना, बार बार मुसलमान रिजर्वेशन मांग रहा है उसकी मुखालफत करना, धर्म के नाम पर देश को बांटना और फिर मुसलमानों को इफ्तार में बुलाना, ये क्या मतलब होता है। वहीं आरएसएस और बीजेपी ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से दी गई इफ्तार पार्टी को सही ठहराया। आरएसएस को राजनीति से क्या लेना देना है, हकीकत तो ये है आरएसएस तो सबके साथ है। मुस्लिम संगठनों ने इफ्तार पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए इसका आयोजन सरकारी गेस्ट हाउस में करने का भी विरोध किया।